जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, यदि हाथ की हथेली में, जैसा कि आप हाथ का एक चित्र देख रहे हैं, यहां पर यदि किसी प्रकार का कोई बिंदु या किसी भी प्रकार का कोई बिंदु का चिन्ह आपके हाथ में है, तो उसका क्या फल होता है, वह किस प्रकार आपके जीवन में शुभ फल देने वाला होता है या अशुभ फल देने वाला होता है, इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा जो है वह मंगल पर्वत से निकल करके मणिबंध पर जाती है, और उसके साथ ही निकलने वाली एक रेखा जो चंद्र मंगल पर्वत के बीच में जाती है उसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और एक रेखा जो बृहस्पति पर्वत के ऊपर पास जाती है उसे हम हृदय रेखा कहते हैं। अब इन्हीं रेखाओं के बीच में अगर मस्तिष्क रेखा पर, जी हां, ये जो रेखा है इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, यदि इसमें किसी भी प्रकार का काला बिंदु या डॉट हमें इस पर दिखाई दे रहा है या किसी भी प्रकार के कोई तिल का निशान हमें इस रेखा पर देखने को मिल रहा है, तो आप यह समझ लीजिए कि यह किसी ना किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी ना किसी प्रकार के अनिष्ट का कारण बनती है। यह हमारे जीवन को काफी नुकसान देने वाला होता है। विशेष प्रकार से यह हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में किसी ना किसी बड़ी चोट का भय लगातार देता है, और इसके होने से जो है हमें किसी ना किसी प्रकार की बड़ी परेशानी होती है, या पुरानी किसी चोट के कारण या चोट लगने के कारण, या संभव हो सकता है कि किसी ना किसी ऐसे धातु से, वाहन आदि से चोट का हमें बड़ा भय बना रहता है जो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर लगती है, जिसके कारण हमारे शरीर में शल्य क्रिया, ऑपरेशन, या शरीर के किसी अंग का जो है टूट जाना, या फिर उसका शरीर से बाहर ही निकल जाना, इस प्रकार के कार्य के लिए मस्तिष्क रेखा पर अगर यह बिंदु हो तो यह कार्य कर। हम बात करते हैं अगर यही बिंदु जीवन रेखा पर किसी प्रकार से बन रहा हो तो इसका क्या फल होता है। यदि यह काला बिंदु जीवन रेखा पर बन रहा है तो कहीं ना कहीं यह धन का सूचक जरूर माना जाता है, धन प्राप्ति का योग जरूर हमें वहां पर बन जाता है। यह काला बिंदु धन देने वाला तो होता है, लेकिन साथ ही उस धन का अनावश्यक व्यय करवाने वाला होता है। जी हाँ, अनावश्यक खर्चा करवाने वाला होता है, क्योंकि यह जीवन रेखा पर धन की अच्छी स्थिति को तो दर्शा देता है, लेकिन वही धन रोग में, बीमारी में, दुख में, या अनावश्यक ऐसे खर्चे प्रारंभ करवा देता है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिनकी हमारे जीवन में जरूरत नहीं है, तो यह उनको नष्ट कर, जो है उस धन को नष्ट भी करवाने वाला होता है। धन का आगमन तो होगा लेकिन वह धन जो है नष्ट की ओर भी चला जाएगा। अब यही बिंदु यदि काले ना हो करके सफेद हैं, अगर यह बिंदु सफेद हैं तो उन्नति का सूचक देने होते हैं। ऐसे सफेद बिंदु होने पर जो है हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है, और सफलता हमारे जीवन में अच्छी होती है। हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसी क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है, निरंतर हम उन्नति करते रहते हैं, तो सफेद बिंदु काफी उत्तम माना जाता है। और इसी के साथ साथ काला बिंदु जो है धन की अच्छी स्थिति तो बताता है, लेकिन वह धन अनावश्यक कारणों में या बिना किसी कारण के लगातार खर्च होता रहता है, और उस धन के होने के बाद भी हम कई बार कर्जे से परेशान रहते हैं। तो सफेद और काले बिंदु में, दोनों प्रकार के बिंदु में काफी अंतर है, तो हाथ का परीक्षण करते समय आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान देकर समझें। बात करते हैं अगर यही काला बिंदु मंगल पर्वत पर किसी भी स्थान पर हो। जी हाँ, मंगल पर्वत पर किसी भी स्थान पर, ये जो पर्वत है यह मंगल पर्वत है, अगर मंगल पर्वत पर यह किसी भी स्थान पर बन रहा हो तो इस स्थिति में अगर यह काला बिंदु है, काला धब्बा है, तो ऐसा जो जातक होता है वह डरपोक होता है, वह किसी भी कार्य को करने से बहुत ज्यादा डर जाता है, और उसके अंदर जो है आत्मबल नहीं होता है, डरपोक प्रवृत्ति का होता है। अगर स्वयं उसे अकेले को कोई कार्य करने के लिए सौंप दिया जाए तो वह उस कार्य को
और सही तरीके से नहीं कर सकता है। यह भी देखा गया है कि ऐसे जातक मन में लगातार शंका रखे रहते हैं और उस शंकाओं के कारण वह अपने कार्य को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। लेकिन यदि इसकी जगह पर लाल बिंदु होगा, जी हाँ, यदि इनकी जगह पर गुलाबी या लाल बिंदु होगा, गुलाबी आभा लिए हुए अगर कोई बिंदु होगा, तो ऐसा जो बिंदु है जातक को साहसी, निडर और पराक्रमी बनाने का कार्य करता है। ऐसे जातक में जो है शत्रुओं के प्रति बड़ी हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है, वह अपने शत्रु को कभी ऐसे ही नहीं छोड़ता है, वह किसी भी स्तर पर जाकर अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए लगातार कार्य करता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वह काफी साहसी होते हैं। लेकिन यदि यह बिंदु लाल आभा लिए हुए, गुलाबी या लाल आभा लिए हुए होगा तभी, लेकिन यदि काला हुआ तो फल विपरीत हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें समझना चाहिए कि इस स्थान का फल हमें किस प्रकार प्राप्त होगा, और वह पता लगेगा उन बिंदुओं के वर्ण को देखकर, उनके रंग को देखकर और उनकी स्थिति को देखकर। अब यदि किसी भी प्रकार का बिंदु का निशान बुद्ध पर्वत पर हो, जी हां, अगर बुद्ध पर्वत पर वह काला निशान बन रहा है, तो समझ लीजिए कि ऐसा जो जातक होता है वह व्यापारिक क्षेत्र में काफी सफल तो होता है, लेकिन उसके पास जो धन होगा वह धन गलत तरीके से कमाया हुआ होगा। ऐसे जो जातक होते हैं वह ठग होते हैं, लालची स्वभाव के होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं। यह अपने करीबी संबंधियों को, अपने भाई को, अपने परिवार के लोगों को तक धोखा दे देते हैं, उन्हीं से ठगी कर लेते हैं। इन्हें अपने और पराये से ठगी करने में कोई परिवर्तन नहीं समझते हैं। इन्हें सिर्फ लालच होता है और लालच के वशीभूत होकर यह अपने और पराये में भेद ना करके केवल अपनी ठग विद्या का प्रयोग करते हैं। यदि बुद्ध पर्वत पर काला बिंदु हो तो, अब यही बिंदु यदि अन्य गुलाबी वर्ण का हो या श्वेत वर्ण का हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं वह सत्कर्म करने वाले होते हैं। सत्कर्म करने के साथ साथ जो है वह लगातार परोपकार की भावना लिए हुए रहते हैं और सदैव दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। तो बिंदु वही है, सिर्फ उसके वर्ण का, उसके कलर का फर्क जो है, उसके जीवन में होने वाली घटनाओं का, उसका सारा फल परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यदि काला बिंदु होगा तो वह व्यक्ति कृपण होगा, कंजूस होगा और धन को बहुत संभाल कर रखने वाला होगा, छोटी छोटी बातों में जो है धन को, धन से संबंधित चर्चाएं करने वाला होगा, और अपनी मित्र मंडली के साथ या अपने दोस्तों के साथ बैठने पर भी धन का खर्च नहीं करेगा, हमेशा दूसरों के धन का उपभोग करेगा, लालच के वशीभूत होकर जो है ठगी विद्या का प्रयोग करने वाला होता है यदि यह बिंदु काला होगा तो। अब यदि यही बिंदु का निशान बृहस्पति पर्वत पर बन जाए, जी हाँ, अगर बृहस्पति पर्वत पर यह बिंदु का निशान है, तो इस स्थिति में जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है। अगर विशेष रूप से किसी स्त्री के हाथ में बृहस्पति पर्वत पर काला बिंदु है, तो वह वैधव्य को प्राप्त हो जाती है, बहुत कम अवस्था में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और यदि यही बिंदु काला पुरुष के हाथ में है, तो उसका वैवाहिक जीवन काफी कष्ट भरा रहता है, परस्पर दोनों में स्नेह प्रेम नहीं होता है, लगातार लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं। या फिर देखा गया है कि इस स्थिति में भी यदि काला बिंदु होता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनका विवाह ही नहीं होता है, विवाह के लिए काफी परिश्रम करते हैं। और कई बार देखा गया है कि अगर हाथ में अन्य अशुभ योग हो और विवाह रेखा कमजोर हो, तो जातक का आजीवन विवाह नहीं होता है। तो बृहस्पति पर्वत पर भी काला बिंदु अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं अगर यह बिंदु कुछ पीत वर्ण लिए हुए या श्वेत वर्ण लिए हुए होगा, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है, पति को दीर्घायु करने वाला होता है और उसी के साथ साथ पति पत्नी में परस्पर प्रेम को भी देने वाला होता है। तो यहां पर स्थिति होती है कि बिंदु का वर्ण कौन सा है, उसका रंग कौन सा है, उसी के आधार पर हमें फलादेश करना चाहिए। अगर यही बिंदु शुक्र पर्वत पर बना हो, तो क्या स्थिति होती है? यदि कोई काला बिंदु हमें शुक्र पर्वत पर प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में
ऐसा जो जातक होता है वह लगातार अपनी काम वासना के लिए लगातार जो है प्रयत्न करता रहता है, अति कामी होता है, वासना से भरपूर होता है और लगातार शरीर के सुख को भोगना चाहता है। ऐसे जो जातक होते हैं वह गुप्तांग के रोगी भी होते हैं और उनके गुप्तांग में लगातार रोग बना ही रहता है और वासना के वशीभूत होकर कई बार ऐसे जो जातक हैं गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अगर विशेष रूप से स्त्री के हाथ में यह काला बिंदु आपको शुक्र पर्वत पर देखने को मिलेगा तो वह व्यभिचारिणी होगी और यदि उसका विवाह हो गया है तो अपने प्रथम पति का त्याग कर वह किसी पर पुरुष के साथ रमण करने लग जाती है। तो यह काला बिंदु शुक्र पर्वत पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। विशेष रूप से ऐसे स्त्री पुरुष जो हैं काम शक्ति के वशीभूत होकर लगातार यौन सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं तो काला बिंदु जो है शुक्र पर्वत पर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपको शुक्र पर्वत पर इस तरह का बिंदु देखने को मिले और हाथ में मंगल और चंद्र पर्वत बलवान हो और उनसे कोई रेखा निकलकर शुक्र से संबंध स्थापित कर रही हो तो आप 100% कह सकते हैं कि ऐसी जो जातक और जातिका है भाई केवल काम वासना के वशीभूत होकर और सिर्फ काम की इच्छा से लिप्त रहते हैं। इनके दिमाग में, इनके मन में और इनकी इच्छाएं सदैव काम के लिए लगातार चलती रहती हैं और काम के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि इन्हें शारीरिक सुख के अलावा अन्य किसी सुख की इच्छा नहीं होती और यह उस सुख को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो यह काला बिंदु शुक्र के पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाता है। हम बात करते हैं कि यदि यही बिंदु शनि पर्वत पर यदि आ गया हो तो इसका क्या फल होता है। अगर यही बिंदु शनि पर्वत पर हमें देखने को मिल जाए तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होता है वह अपने प्रेम प्रसंग के मामलों के कारण बदनामी का शिकार हो जाता है और इसके साथ साथ उसे अपने व्यवसाय में, व्यापार में या किस जिस जगह भी वह कार्य करता है, यदि यह शनि पर्वत है तो जिस जगह भी जातक कार्य करता है वहीं प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है और उन्हीं प्रेम संबंधों के कारण बदनामी भी उठाता है और आजीवन उसे दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है। लगातार पति पत्नी में कलह का कारण यह बिंदु यदि शनि पर्वत पर है तो लगातार उसका दाम्पत्य जीवन कलह से ग्रसित रहेगा। कई बार देखा भी गया है कि यदि यह शनि पर्वत पर है तो उसकी पत्नी उसका त्याग कर देती है, उससे दूर रहती है। तो शनि पर्वत पर भी यह काला बिंदु अच्छा नहीं माना जाता है और व्यक्ति के जीवन में अनिष्टकारी घटनाओं को जन्म देने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले हो जाते हैं, जिस जगह कार्य करते हैं वहीं पर कुकर्म करने लग जाते हैं। तो यह शनि क्षेत्र पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर यही बिंदु सूर्य के पर्वत पर हो, जी हाँ, अगर सूर्य के पर्वत पर यही बिंदु बन रहा है तो इस स्थिति में जातक के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में काफी कमी होती है। ऐसा जो जातक होता है भाई जो भी कार्य करता है उस कार्य का उसे श्रेय प्राप्त नहीं होता है। भाई कितना भी परिश्रम कर ले, मेहनत कर ले, लगातार असफल होता रहता है और यह निराशा जीवन भर इसी बिंदु के कारण उसे प्राप्त होती रहती है। तो यह काला निशान जो है या काला बिंदु किसी भी प्रकार से सूर्य पर्वत पर उसके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और वह लगातार प्रयास करने पर भी जो है अपना नाम, अपने लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ख्याति या फिर जो परिश्रम वो करता है उसका श्रेय वह जीवन भर प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यह सूर्य पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाता है। यही बिंदु राहु के स्थान पर हो, अर्थात बीच हाथ की हथेली में अगर यह बिंदु बन रहा है तो यह एक प्रकार से जातक के जीवन में धन की कमी को दर्शाने वाला होता है। जातक के पास कोई स्थिर संपत्ति नहीं होती है, अगर उसके पास धन होता भी है तो वह कभी स्वयं के लिए कोई संपत्ति एकत्रित नहीं कर पाता है और जो संपत्ति होती है वह भी किसी ना किसी कारण से जो है नष्ट होती रहती है। अगर पैतृक संपत्ति भी ऐसे जातकों को मिल जाती है तो वह पैतृक संपत्ति बहुत अधिक समय तक उनके पास नहीं रहती है। तो यह राहु के स्थान पर भी अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर यही बिंदु केतु के स्थान पर बन रहा हो, जी हाँ,
अगर केतु के स्थान पर बन रहा हो तो उस स्थान पर भी यह जो है शरीर को लगातार रोगी बनाने वाला होता है। ऐसा जातक जो होता है वह रोग से ग्रसित होता है और वह कभी भी रोग से मुक्त नहीं हो पाता है। उसका जो धन है वह रोग में ही जो है व्यय होता रहता है और अगर शरीर में रोग बना रहेगा तो जातक के जीवन में सफलता, उसे अच्छा व्यवसाय, धन धान्य आदि की कमी लगातार बनी रहेगी। तो यह केतु के पर्वत पर भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर यही चिन्ह चंद्र पर्वत पर हमें देखने को मिले तो चंद्र पर्वत पर भी इसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्र पर्वत पर अगर इस तरह की स्थिति हमें बनती हुई दिखेगी तो जातक जो है अपने उतावलेपन के कारण या अपनी वाचाल शक्ति के कारण, अपनी खराब वाणी के कारण या अपनी विपरीत सोच के कारण कभी भी प्रेम संबंधों को बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकता है। इसके प्रेम संबंध तुरंत बनते हैं और टूट जाते हैं। ऐसा जातक किसी के भी साथ बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता है। उसके जीवन में कई प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि ऐसा जो जातक होता है वह लगातार नए लोगों से मिलना चाहता है, नए लोगों के साथ रहना चाहता है। स्थिर मन स्थिर नहीं होने के कारण जातक के संबंध भी बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते हैं। यही चिन्ह भाग्य रेखा पर हो, जी हाँ, अगर यही चिन्ह जो है भाग्य रेखा पर बन रहा हो तो इस स्थिति में जो है जातक के भाग्योदय में काफी विलंब होता है, काफी दिक्कतें होती हैं और उसे काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर जीवन रेखा पर होगा तो लंबी बीमारी को देने वाला होता है। मैंने आपको बताया था कि जीवन रेखा पर यदि यह बिंदु बन रहा होगा तो यह लंबी बीमारी देने वाला होता है। ऐसे जातक कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और देखा गया है कि अपने जीवन काल में मृत्यु तुल्य कष्ट भी भोगने वाले होते हैं। तो यह स्थिति जो है बिंदु की हाथ में निम्न स्थानों पर, जिसका फल मैंने आपको बताया है, अगर इनका वर्ण भेद है, कलर अलग है तो फल भी विपरीत हो जाएगा। लेकिन यदि यह सभी श्याम वर्ण, काले वर्ण के धब्बे हैं या बिंदु हैं तो वह इसी प्रकार से जातक के जीवन में फल करने वाले होते हैं। और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप ऐसे ही ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा संबंधी ज्ञान को सदैव प्राप्त करते रहेंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।